नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी में। मैं अदीबा आज बात करूंगी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के बारे में। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रधानमंत्री के नाम के आगे द एक्सीडेंटल नाम लगाया गया है। मनमोहन सिंह को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम से संबोधित किया जा रहा है। 2014 में चुनाव से जस्ट पहले एक बुक रिलीज हुई थी और 2019 के चुनाव से पहले भी ये फिल्म रिलीज हुई है। क्या इस सब के पीछे कोई राजनीति छुपी है? आइए जानते हैं हम इस सब के बारे में विस्तार से। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 11 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म एक किताब पर आधारित है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। इस किताब के लेखक हैं संजय बारू, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। यह फिल्म उन्हीं के दृष्टिकोण से दिखाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विजय रत्नाकर गुट्टे और अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है। संजय बारू का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं अक्षय खन्ना। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यह फिल्म सुर्खियों में है। बीजेपी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था और जब ट्रेलर को बैन करने की बात उठी थी तब भी बीजेपी ने आपत्ति उठाई थी। एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। यह पहली फिल्म है जिसमें किसी का भी नाम काल्पनिक नहीं है। इसमें सभी पात्रों के नाम रियल हैं। यह फिल्म इंडस्ट्री के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दर्शाता है। इस फिल्म के ट्रेलर को बैन करने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इसकी अपील की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया। अब असली फैसला तो इस देश की जनता के हाथ में है, फिल्म हो या चुनाव। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबीसी हिंदी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें एनबीसी हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।